हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मूंगफली की चटनी यानी पीनट की चटनी। ये डोसा, इडली, वड़ा सबके साथ बहुत पसंद करके खाई जाती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस होती है, ये देखिए। और अगर आप इसे बनाएंगे इस तरीके से जैसा तरीका मैं बता रही हूँ तो आप इसे हर बार बना कर खाएँगे। तो आइए हमारी पीनट की चटनी बनाना शुरू करें। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और सबसे पहले हम पीनट को रोस्ट कर लेंगे। डेढ़ कटोरी मैंने यहाँ पर पीनट लिए हैं, अब अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आपको चटनी बनानी है। मैं यहाँ पर सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर हम पीनट को रोस्ट करेंगे। चटनी हमारी तभी अच्छी बनेगी जब हमारी पीनट जो है अच्छे से रोस्ट होगी तभी। अगर ये जल गई तो भी अच्छी नहीं बनेगी और ये अगर कच्ची रह गई तो भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसे धीमी आँच पर सेकेंगे। ये देखिए पीनट हमारे सिक गई है, लगभग 4 मिनट हुए मुझे चलाते हुए धीमी आंच पर। और इसे हम अभी ठंडा कर लेंगे फैन के नीचे। ठंडा करके ही पीसेंगे, गरम गरम में अच्छा नहीं होता है। तो पीनट जो है ना वो हमारी ठंडी हो चुकी है। ये देखिए इसके छिलके इजीली निकल रहे हैं और ये ठंडी हो चुकी है। बस अब आपकी पीनट की चटनी बहुत अच्छी बनेगी। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है बस। तो सबसे पहले हम पीनट को जार में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर मिक्सर का जार ले लिया, आप छोटा वाला भी ले सकते हैं, बड़ा वाला भी जार कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से धनिया पत्ता, 10-12 लहसुन की कलियाँ हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च है 2 बारीक कटी हुई। इससे इनका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1 छोटा चम्मच नमक है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच जीरा है, आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो आप खाएं वो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे पानी और बस इसे एक बार चलाएंगे। पानी हमेशा बहुत कम ऐड करना चाहिए और अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ऐड करना चाहिए। तो इसमें पानी कम है, थोड़ा और ऐड कर लेंगे और इसे एक बार और चलाएंगे। ऐसा करके हमने 3 बार इस मिक्सर को चला लिया धीरे धीरे करके। और देखिए एकदम परफेक्ट हमारी चटनी जो है वो बनकर रेडी है। ये देखिए कितनी क्रीमी क्रीमी लग रही है और कलर कितना अच्छा आया है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मेरे घर में जब भी बनती है ना ये सेम टाइम ख़त्म हो जाती है, मतलब कभी बचती नहीं है। तो ये देखिए हमारी पीनट की चटनी बनकर रेडी है। आप इसमें तड़का भी ऐड कर सकते हैं और ना करें तो भी चलता है, ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। आप इसे डोसा, इडली किसी के साथ भी खा सकते हैं। मेरे इस वीडियो से अगर आपकी कुकिंग में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो और कुछ आपकी कुकिंग आसान हुई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।